तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों को लेकर वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सहाड़ा में उपखंड अधिकारी मनरेगा कर्मियों को बस में बैठाकर पोलिंग बूथ तक ले जा रहे हैं, साथ ही कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। पूनिया ने कहा कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग को की गई है। इस दौरान पूनिया ने कहा कि तीनों सीटों पर अच्छा मतदान हो रहा है, जो कि भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। जो इनपुट हमारे पास है, कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मत प्रतिशत का बढ़ना, जिस तरीके से महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, ये संकेत है इस बात का कि सरकार के खिलाफ लोगों में बड़ी नाराजगी। मैं खुद नरेगा के मजदूरों से मिला, अनेक सामाजिक वर्ग के लोगों के बीच में गया, जो चीज रिफ्लेक्ट होके आई वो तमाम वही चीजें थी, किसानों में कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, गांव का विकास ठप होना, ये तमाम मुद्दे नीचे ग्रास रूट पर उसी तर्ज पर उस तरीके से लोगों के बीच